बड़ा महोत्सव है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश खजुराहो महोत्सव को लेकर देश में ही नहीं अब तो विश्व में भी अपनी सुर्खियां बटोरता है। ये 50वां खजुराहो महोत्सव है तो निश्चित रूप से ये महोत्सव बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा को, भारत की संस्कृति को प्रकट करने वाला महोत्सव। तो इस बार ये महोत्सव और भी ज़्यादा ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जो पिछले बार होता था वो तो सब होगा ही, कुछ नई गतिविधियाँ, नई गतिविधियों का आयोजन इस महोत्सव में करने जा रहे हैं, जिसमें कथक कुंभ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने के उद्देश्य से कथक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1500 से लेकर 2000 कलाकार इसमें शामिल होंगे। 20 तारीख को यह आयोजन शुरू होगा और कथक कुंभ के माध्यम से गिनीज बुक में इस आयोजन को दर्ज कराने की सरकार की कवायद है और निश्चित रूप से ये गिनीज बुक में दर्ज होगा। दूसरा, अपन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय छापा कला की शुरुआत कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की पेंटिंग्स हैं उनका प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय छापा कला लयशाला भारतीय नृत्य शैलियों के अपनी विधा के श्रेष्ठ गुरुओं के साथ शिष्यों का संगम और कार्यशाला है। इसमें ये रहेगा कि नृत्य शैलियों के जो विधा के श्रेष्ठ गुरु है और शिष्यों का संगम होगा, जिसमें लोग संवाद के माध्यम से एक दूसरे की कला से परिचित होंगे, तो ये नवाचार भी किया जा रहा है। और 50वें खजुराहो में 50 वर्ष का इतिहास जो है तो उसके लिए इतिहास का लेखन किया गया है और एक पुस्तक उसमें उसका लोकार्पण भी किया जाएगा, तो जिसमें खजुराहो के 50 साल के इतिहास का उल्लेख रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और लोक नृत्य की प्रस्तुतियों में इस बार खजुराहो नृत्य समारोह के अवसर पर नृत्य की अन्य गतिविधियों के रूप में दक्षित मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, मुझे लगता है कि खजुराहो महोत्सव ऐतिहासिक तो है ही, इसको और ऐतिहासिक बनाएंगी। और गिनीज बुक में ये कथक कुंभ के माध्यम से जब नाम दर्ज होगा तो ये 50वां महोत्सव निश्चित रूप से आने वाले महोत्सवों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।